जनता को गुमराह करना भाजपा का चरित्र, राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, मध्य प्रदेश की रीवा से खबर। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। लाडली बहन योजना से लेकर महंगाई पर जमकर भड़ास निकाली। श्री पटेल ने कहा कि जनता को भ्रम में डालना भाजपा का चरित्र है। भाजपा जनता के पैसे के दम पर विधायक और वोटरों को खरीदने का काम कर रही है। आइए आपको ले चलते हैं सीधे राजनिवास, जहां राजमणि पटेल पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। जो सर्वोच्च प्रजातंत्र का बना है, जो देश प्रगति और विकास किया है, उस पर ग्रहण लग रहा है। किस तरह से इसको बचाया जाए, ये सबसे बड़ी लड़ाई है। लेकिन जनतंत्र में बड़ी ताकत होती है, और ताकत सबसे बड़ी होती है जब आदमी का विश्वास बिकता है, विश्वास को चोट पहुंचती है, वो सबसे बड़ा आह जिसे हम कहते हैं, वो सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार तानाशाही रवैया के आधार पर तानाशाही तरीके से इस देश में हुकूमत कर रही है, और जब आदमी तानाशाह बन जाता है तो फिर वो कायदे कानून भूल जाता है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था भूल जाता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि जो हम कह रहे हैं वही सच है, जो हम बोल रहे हैं वही सच है, वही कानून है, वही ईमान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यही भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि जो कह रहे हैं वही सब सच है। आज कौन सा ऐसा वर्ग है जो वर्ग दुखी नहीं हो, पीड़ित नहीं हो? आज किसान का हालत देख लीजिए, किसान की फसल का दाम नहीं मिल रहा है, MSP का वादा करने के बाद वो लागू नहीं हो रहा है, और किसानों के साथ जो वादा किया था एक भी वादा पूरा नहीं कर रही है, किसानों का कर्जा नहीं माफ़ होता, और किसान अपनी जायज़ मांगों को लेता है तो उनको गोलियों से भून दिया जाता है, चाहे मंदसौर की घटना हो और चाहे किसानों का आंदोलन रहा हो, किस तरह से कुचला गया है, किस तरह से दुर्दशा हुई दुनिया देखा है। जिसका नाम ले दीजिए, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज उस युवा शक्ति, जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे बेरोजगार हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? आज कहीं नौकरी उनको मिल नहीं रही है, ओवर एज हो रहे हैं, पढ़ाई के लिए जो कर्ज लेते हैं वो कर्ज वापस नहीं कर पाते, उनकी कुर्कियाँ हो रही हैं, छात्रों को कापी किताबें तक, परीक्षा और ये सब बीत गया, कापी किताब तक माने पिछड़े और हमारे ST ST के छात्रों को छात्रवृत्ति तक नहीं मिली, कापी किताबें नहीं मिली। हर तरह से युवा वर्ग पीड़ित है, सताया जा रहा है, परेशान है। अगर युवा शक्ति जो हमारी इस तरह के हाल होगा तो फिर हमारा समाज और देश कैसे बनेगा? आज बेटियों का नारा देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कहने वाली सरकार की कथनी करनी को देखिए कि वही बेटियां जो हमारे देश के लिए मेडल लाती हैं, देश का नाम रोशन करती हैं, वो देश की प्रतिभाएं हैं, वो किसी जात के विद्यार्थी भर नहीं है, सर्विस करने वाले नहीं है, एथलेटिक्स नहीं है, वो हमारे देश की प्रतिभाएँ हैं। और जो हमारे देश की प्रतिभाएँ हैं उनके साथ क्या हो रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इससे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि FIR दर्ज करना, FIR लिखाना एक कॉमन आदमी का भी अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि कोई FIR दर्ज कराना चाहता है, FIR होगी। अगर FIR नहीं है तो जांच होगी, पड़ताल होगी, उसके बाद भले उस पर विचार न हो कि FIR उस लायक नहीं है, लेकिन FIR लिखना जो है उसका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश की बेटियाँ प्रतिभाएँ जब FIR कराते, FIR दर्ज सरकार नहीं करने देती है। कितनी बड़ी तानाशाह सरकार हो गई है कि FIR दर्ज नहीं होती। उस FIR के लिए जब न्यायालय हस्तक्षेप करता है, न्यायालय निर्देश देता है, तो न्यायालय के निर्देश के बाद FIR दर्ज होती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा अपमान हमारी बेटियों का क्या हो सकता है, ये सोचने की ज़रूरत है। इस देश में आज हमारी बेटियों के साथ में हो रहा है। तो आज हर वर्ग, नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।